आज के इस मोस्ट आइकॉनिक क्लास को हम डेडिकेट करने वाले हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के ऊपर। जी हां, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिसके लेखक हैं भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका डॉक्टर बीके सिंह और स्वागत है आप सभी का बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस के आज के इस माइंड ब्लोइंग एपिसोड में। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में 12th क्लास इंग्लिश बिहार बोर्ड के फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 को हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले हम महात्मा गांधी को भी पूरी तरीके से इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो भी हाईलाइट पॉइंट्स है गांधी जी से रिलेटेड ऑथर इंट्रोडक्शन में कवर करेंगे। आइए आज के इस शानदार सी क्लास की हम शानदार शुरुआत करते हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति, दुनिया को एक चैलेंज, दुनिया को एक चुनौती देने वाली सभ्यता रही भारत की सभ्यता। कहा गया कि जमी पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, जमी पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, हमारी किस्मत अच्छी है कि हम भारत में रहते हैं। भारत नाम ही काफी है। अलग अलग प्रकार की जातियां, अलग अलग प्रकार के धर्म, संप्रदाय, पंथ, भाषा, क्षेत्र, नस्ल, इन सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी हम भारतीय कहलाने में गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये त्योहारों का देश, ये मौसमों का देश, ये रंगों का देश, तरह तरह की परंपराओं का देश है भारत। लेकिन गांधी जी ने इस चैप्टर में ये बताने की कोशिश की है कि आखिर भारत की ये सभ्यता, भारत की ये संस्कृति आज तक जीवित कैसे बच गई। विश्व की तमाम देशों की नई नई सभ्यताएं भारत के सभ्यता के सामने आईं, लेकिन टिक नहीं पाई। भारत की सभ्यता में आखिर कौन सी वो चीज थी जिसने इसकी नींव को कभी हिलने न दिया, जिसने इसकी अखंडता को कायम रखा। महात्मा गांधी ने अपने विचारों के माध्यम से, अपने इस लेख के माध्यम से हमें यह बताने की कोशिश की है कि भारतीय सभ्यता विश्व की सारी सभ्यताओं से सबसे बेहतर है और हमें अपनी सभ्यता पे गर्व महसूस करना चाहिए और पूर्व की सभ्यता होने के नाते पश्चिम की सभ्यता की नकल करने से बचनी चाहिए। तमाम तरह की अच्छी बातें इस चैप्टर में हुई हैं स्टूडेंट्स। यकीनन यदि पूरा सेशन आपने दिल से किया तो आपकी ये फेवरेट चैप्टर बन जाएगी, आपको रट के याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरी तरीके से आपके दिमाग में, आपके दिल में पेस्ट हो जाएगी। तो आइए इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इस आइकॉनिक, शानदार, अद्भुत क्लास की हम बड़े ही शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। मैं आपका होस्ट। सबसे पहली चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति क्या है, तो ये एक निबंध है, यह एक ऐसे है, क्योंकि एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो इस चीज को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लीजिए। मैं जितने भी चैप्टर पढ़ा रहा हूं, आपने गौर किया है, मैं सबके बारे में यही फॉर्मेट रखता हूं, क्योंकि यही से आपके एग्जाम्स के जो VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लोग जो सेलेक्ट करते हैं, जो बनाते हैं, जो गेस पेपर में छापते हैं, दरअसल वो आकाश से उतर के नहीं आता, वो यही से आपके पढ़ते समय काम आ जाएगा। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक ऐसे है जिसके ऑथर, जिसके निबंधकार है महात्मा गांधी, जिनका जन्म 1869 में हुआ और डेथ 1948 में हुई। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, आइए एक चीज पे गौर करते हैं।
सर अगर हम बात करें सिविलाइजेशन की तो ये होता क्या है? देखिए सिविलाइजेशन का मतलब होता है द वे ऑफ लिविंग, द वे ऑफ लिविंग यानी कि जीने का तरीका। जीने का तरीका, रहने का ढंग, इसी को कहा जाता है सिविलाइजेशन, इसी को कहा जाता है सभ्यता। तो भारत के लोगों के रहने का तरीका क्या है? भारत के लोग अपनी जिंदगी जीते कैसे हैं? वे अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृतियों को कैसे निभाते हैं, कैसे उन्हें मेंटेन करते हैं और किस तरीके से संपूर्ण विश्व इस आश्चर्य में है भारत की सभ्यता को देखकर, यहाँ की संस्कृति को देखकर वो कैसे आश्चर्यचकित है। यही सारी बातें इस चैप्टर में की जाएंगी बड़े ही संतुष्टि के साथ। सबसे पहले हम गांधी जी के बारे में जान लें, कुछ अच्छी बातें जो हमें जाननी चाहिए क्या है। महात्मा गांधी जो भारत में किसी पहचान के मोहताज नहीं है और 1,00,000 कमियां लोग गिना सकते हैं गांधी जी के बारे में, बट आप एक बात जान लीजिए कि गांधी बनना आसान नहीं है। यदि आप मोहनदास के जीवन को पढ़ेंगे, यदि आप मोहनदास की रचनाओं को देखेंगे, यदि आप मोहनदास के भाषणों को पढ़ेंगे तो आपको शायद ये महसूस होगा कि ये संत के रूप में इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा दार्शनिक बैठा था भारत के अंदर कि भारत के लिए भी सौभाग्य की बात थी आजीवन जो भारत के लिए समर्पित रहे। एक बैरिस्टर होने के बावजूद भी, विदेशी कॉलेजों में पढ़ने के बावजूद भी भारत में आके उन्होंने अपने सूत से काटी हुई धोती पहन के जीवन भर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लड़ा। गांधी बनना आसान नहीं है। गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था और इनकी डेथ 1948 में हुई थी। इंडिया में गांधी जी को बापू के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ नेशन यानी कि इन्हें कहा जाता है राष्ट्रपिता। तो बापू या राष्ट्रपिता के नाम से ये फेमस है। भारतीय राजनीति में ये 1915 में आए और 1948 तक यानी कि जब तक ये जिंदा रहे तब तक भारतीय राजनीति पर इनका वर्चस्व रहा, ये भारतीय राजनीति पर छाए रहे। ये तीनों पॉइंट्स आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपकी बुक से ही ली गई है, एक्स्ट्रा कहीं से इसे नहीं लाया गया है, तो आप इन तीनों पॉइंट्स को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को उनकी तस्वीरों के साथ कभी कभार गीता के साथ दिखाया जाता है। श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं के सबसे महान धर्म ग्रंथों में से एक। इस धरती पर संपूर्ण जीवन यदि किसी ने जिया, लोग कहते हैं कि नो वन इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता। एक शख्स परफेक्ट हुआ, कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने बचपन जिया तो ऐसे जिया कि आज भी हर माँ अपने बच्चे को प्यार से लल्ला कहती है, कान्हा कहती है। जिसने जवानी जी तो ऐसे जी कि आज भी कोई अगर घूमता फिरता दिखाई देता है मजनू बनके तो कहते हैं बड़ा कन्हैया बना फिर रहा है। और जिसने उपदेश दिया तो ऐसा उपदेश दिया जिसके ऊपर हजारों नोबेल पुरस्कार न्योछावर किए जा सकते हैं। गीता जीवन बदल देने वाली पुस्तक। अगर आपने गीता पढ़ लिया तो फिर आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से कोई सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय मिले तो कभी गीता भी पढ़िए, अगर आप मुसलमान हैं तो भी पढ़िए, इसे एक मोटिवेशनल बुक मान के पढ़िए। महात्मा गांधी वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। महात्मा गांधी को राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं बनना था, अगर उन्हें बनना होता तो किसी में ताकत नहीं थी कि उन्हें रोक ले वो बनने से। वो एक आध्यात्मिक नेता थे, स्पिरिचुअल।
आध्यात्मिक नेता थे। राजनेता की अपेक्षा ज्यादातर वो एक आध्यात्मिक नेता थे और उन्होंने सक्सेसफुली सफलता पूर्वक यूज्ड प्रयोग किया ट्रूथ यानी कि सत्य को एंड नॉन वायलेंस और अहिंसा को, सत्य और अहिंसा का उन्होंने प्रयोग किया एज चीफ यानी कि मुख्य वेपन हथियार के रूप में, सत्य और अहिंसा को उन्होंने हथियार के रूप में इस्तेमाल किया भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में। गांधी जी ने इन्हीं दोनों हथियारों का प्रयोग किया, सत्य और अहिंसा का। महात्मा गांधी की अपनी जीवनी भी है, ऑटोबायोग्राफी यानी इनकी जो जीवनी है जिसे इन्होंने खुद लिखा है। बायोग्राफी मतलब कोई और आपकी जीवनी लिखे, ऑटोबायोग्राफी मतलब आप अपनी जीवनी खुद लिखे। उस किताब का नाम था माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये उनकी जीवनी है, महात्मा गांधी जी की जीवनी है ये माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको यह एहसास भी होगा कि गांधी जी अंग्रेजी के बहुत अच्छे जानकार थे, मास्टर आदमी थे। ही वॉज नॉट ओनली एन ओरिजिनल थिंकर, वो न सिर्फ एक वास्तविक विचारक थे, वास्तविक सच्चे विचारक थे, बल्कि ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश, मुहावरेदार अंग्रेजी के बड़े विद्वान आदमी भी थे। अंग्रेजी में भी वो मुहावरे यूज करते थे, इडियम्स यूज करते थे, बहुत पहुंचे हुए आदमी थे। अंग्रेजी की जानकारी भी माशाल्लाह बहुत शानदार थी महात्मा गांधी की। एक पत्रिका आती थी उस समय में जिसका नाम था यंग इंडिया, ये एक वीकली जनरल यानी कि साप्ताहिक पत्रिका हुआ करती थी, सप्ताह में एक दिन ये प्रकाशित होती थी। यहां मैंने ये भी ये इमेज जो मैंने लिया है इसमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हैं। वीकली जनरल थी यंग इंडिया और इसे उन्होंने लिखा, ये प्रकाशित हुई थी अहमदाबाद से 8 मई 1924 को, जिसे एडिट किया है एम के गांधी यानी महात्मा गांधी ने। और उन्होंने इसमें क्या लिखा था, माय जेल एक्सपीरियंस यानी जेल का मेरा अनुभव। तो यंग इंडिया के नाम से एक पत्रिका आती थी और उसी पत्रिका के वो एडिटर थे यानी कि संपादक थे, उसके लिए वो लिखते थे, संपादन का कार्य करते थे। तो संपादक के रूप में भी इन्होंने अपनी पहचान अच्छी बनाई। आइए इस चैप्टर के पहले पैराग्राफ से मिलते हैं और अब कहानी शुरू करते हैं प्यार से, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है और आशा करूंगा कि आप भी बड़े ही प्यार से, बड़े ही आत्मीयता के साथ इसके एक एक पंक्तियों से जुड़े और इसे अपने दिलो दिमाग पर छपने दें। लेट्स स्टार्ट। आई बिलीव दैट, गांधी जी कहते हैं, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवोल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, यानी आई बिलीव, मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है। बिलीव का मतलब आप जानते हैं विश्वास करना। तो गांधी जी कहते हैं कि आई बिलीव दैट, मुझे विश्वास है कि, मुझे भरोसा है कि द सिविलाइजेशन यानी कि जिस सभ्यता को इंडिया हैज इवोल्व्ड, भारत ने विकसित किया है, इज नॉट टू बी बीटन, वो पराजित होने वाला नहीं है,
इन द वर्ल्ड, दुनिया में। गांधी जी ने कहा कि मुझे यकीन है कि जिस सभ्यता को भारत ने विकसित किया है वो दुनिया में पराजित होने वाला नहीं है, दुनिया में कोई इसे पराजित नहीं कर सकता है। आई बिलीव दैट, मुझे ये यकीन है कि जिस सभ्यता को भारत ने विकसित किया है वो दुनिया में पराजित होने वाला नहीं है, यानी दुनिया की कोई भी सभ्यता इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये गांधी जी का मानना था। नथिंग कैन, यानी कोई भी चीज नहीं कर सकती है इक्वल, बराबरी, कोई भी चीज बराबरी नहीं कर सकती द सीड्स, उन बीजों की, कोई भी चीज उन बीजों की बराबरी नहीं कर सकती सोन, जो बोई गई हो बाई आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों के द्वारा। यानी सभ्यता का जो बीज हमारे पूर्वजों ने बोया, सभ्यता का जो बीज हमारे पूर्वजों ने बोया उसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है। त्याग, तपस्या, समर्पण की जो चीजें हमारे पूर्वजों ने सिखाई उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। रोम वेंट, रोम चला गया, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, ग्रीक ने भी साझा किया, ग्रीक ने भी साझा किया बिल्कुल उसी फेट परिणाम को, यानी ग्रीक के साथ भी वही हुआ, रोम की सभ्यता चली गई, ग्रीक का भी वही हाल हुआ। एंड द माइट, और जो ताकत थी ऑफ फेरोस, यानी फेरो की जो ताकत थी, फिरौन कहा जाता है मिस्र के शासकों को, तो फराह की जो ताकत थी वॉज ब्रोकन, वो टूट गई। बड़े ताकतवर हुआ करते थे वो लोग, लेकिन उनकी ताकत भी टूट गई। द रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट, फराओस, तो जो फराओस थे वो दरअसल, इजिप्ट एक देश है, इसे मिस्र यूनान के नाम से लोग जानते हैं, इस देश के राजाओं को फैराओ के नाम से जाना जाता है। तो फैराओ के राजाओं को, ये बड़े ताकतवर हुआ करते थे लोग, इनकी ताकत भी टूट गई। एंशियंट इजिप्ट, प्राचीन इजिप्ट की जो ताकतें थी जिसके ऊपर दुनिया नाच करती थी वो भी टूट गई। जापान हैज बिकम, जापान बन गया वेस्टर्नाइज्ड, यानी कि पश्चिमी, जापान पश्चिमी बन गया ऑफ चाइना, चीन का। तो नथिंग कैन बी सेड, कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि उसमें कितना नैतिक पतन हुआ है चीन का। बट, लेकिन इंडिया इज स्टिल, भारत फिर भी समहाउ और अदर, किसी ना किसी तरह से साउंड जमा हुआ है, सुरक्षित है एट द फाउंडेशन, अपनी नींव पर, किसी ना किसी तरीके से भारत सही सलामत है अपनी नींव पर। तो आप इसको पढ़ना शुरू करें और समझना शुरू करिए इसे, क्या लिखा है महात्मा गांधी ने, कि आई बिलीव दैट, मेरा यह मानना है कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व, जिस सभ्यता को भारत ने विकसित किया है, इज नॉट टू बी बीटन, वो पराजित होने वाली नहीं है इन द वर्ल्ड, दुनिया में। गांधी जी ने कहा आई बिलीव दैट, मुझे ये विश्वास है कि द सिविलाइजेशन, वो सभ्यता जिसे इंडिया हैज इवॉल्व, भारत ने विकसित किया है, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, वो दुनिया में पराजित होने वाली नहीं है। नथिंग कैन इक्वल, कोई भी चीज बराबरी नहीं कर सकती द सीड्स, उन बीजों की सोन, जो बोए गए हैं, जिन्हें बोया गया है बाई आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों के द्वारा। रोम वेंट, रोम चला गया, ग्रीस शेयर्ड, ग्रीस ने साझा किया द सेम फेट, बिल्कुल उसी परिणाम को, यानी रोम चला गया, रोम की सभ्यता चली गई, ग्रीक का भी वही परिणाम हुआ।
एंड द माइट ऑफ फैराओस, और फैराओ की जो ताकत थी वो ताकत भी टूट गई। जापान पश्चिमी बन गया, चीन का तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। बट लेकिन इंडिया इज स्टिल, भारत अभी भी है किसी ना किसी तरीके से जमा हुआ, सुरक्षित अपनी नींव पर, अपनी बुनियाद पर। किसी ना किसी तरीके से भारत अपनी नींव पर सुरक्षित है, बचा हुआ है। यही इसकी खूबसूरती है, यही इसके लिए शान की बात है। आगे लिखते हैं गांधी जी, द पीपल ऑफ यूरोप, यानी यूरोप के लोग लर्न, सीखते हैं देयर लेसन्स, यानी अपने सबक, अपने पाठ, फ्रॉम द राइटिंग्स, लेखों से, ऑफ द मेन, लोगों के, ऑफ ग्रीस एंड रोम, रोम और ग्रीक के, यानी यूरोप के लोग रोम और ग्रीक के लोगों के लेखों से सीखते हैं। वो लेख विच जो एग्जिस्ट नो लॉन्गर, जो अब नहीं रहे, जो अब नहीं रहे, इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, अपने पूर्व की महिमा में, यानी जो कुछ उनकी विशेषताएं थी वो खुद मर चुकी हैं, पर फिर भी लोग उन्हीं लोगों के लेखों से सीखते हैं, यूरोप के। द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग लर्न देयर लेसन्स, अपना सबक सीखते हैं, फ्रॉम द राइटिंग, लेखों से, ऑफ द मेन ऑफ ग्रीक एंड रोम, रोम और ग्रीक के लोगों के। एक लाइन पूरी बनाएंगे कि यूरोप के लोग रोम और ग्रीक के लोगों के लेखों से अपना पाठ सीखते हैं, सभ्यता सीखते हैं, जीना सीखते हैं, जो कि खुद पहले की तरह नहीं रही, जो खुद अपने पूर्व की महिमा में नहीं रही। इन ट्राइंग, कोशिश में, टू लर्न, सीखने की, सीखने की कोशिश में, फ्रॉम देम, उनसे, यानी जो यूरोप के लोग थे, ये ग्रीक और रोम के लोगों से सीखने की कोशिश में, द यूरोपियंस, यूरोपवासियों ने, इमेजिन, यूरोपवासी ये कल्पना करते हैं, दैट कि दे विल अवॉइड, वे नजरअंदाज करेंगे द मिस्टेक्स, गलतियों को, उन गलतियों को जो है ग्रीस में और रोम में। यानी जब ये लोग सीखते हैं ना, जब ये लोग यूरोप के जो निवासी हैं, जब ये रोम और ग्रीक के लोगों के लेखों से सीखते हैं, तो ये कल्पना करते हैं कि ग्रीक और रोम के लोगों ने जो गलतियां की, उन गलतियों को ये नजरअंदाज कर देंगे। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, ऐसी है उनकी दयनीय स्थिति। जानते हैं कि कमियां हैं, पर फिर भी मजबूरन सीख रहे हैं, इतनी गई गुजरी स्थिति है इनकी। हमें देखो, हमने अपने जीने का तरीका स्वयं बनाया। हम मांझी को पैदा करने वाले लोग हैं, जिसने पर्वत का सीना चीर दिया। हम उस देश के वासी हैं जहां निर्जीवों की भी पूजा होती है, यहाँ पत्थर पूजे जाते हैं, पेड़ पूजे जाते हैं, नदियां पूजी जाती हैं, जानवरों की पूजा होती है, रिश्तों की पूजा होती है, इंसानियत की पूजा होती है। 1,00,000 कमियां मानते हैं हमारे देश में है, पर फिर भी ऐसा अनोखा देश पूरे विश्व में कहीं नहीं है। इसलिए हमें गर्वान्वित होना चाहिए हर क्षण हर पल अपने इस देश को लेकर के, अपने पूर्वजों के कृत पर, अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कर्मों पर हमें गर्व महसूस करना चाहिए। हमें आभारी होना चाहिए अपने उन महान पूर्वजों का, जिन्होंने पूरे विश्व को शिष्य बना के रखा और खुद भारत को विश्व गुरु बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। हमें गर्व महसूस करना चाहिए अपने भारत की इस प्राचीन संस्कृति के ऊपर। सेकेंड पैराग्राफ, इन द मिड्स, इन सब के बीच, इन द मिड्स यानी बीच में, ऑफ ऑल दिस, इन सब के बीच में, किन सब के बीच में, जब जापान बदल रहा था,
चीन बदल रही थी, ग्रीस और रोम के लेखों से यूरोप सीख रहा था, उन सब के बीच में इंडिया रिमेंस, भारत बना रहता है इमूवेबल, अडिग। इन सब के बीच भारत अडिग बना रहता है। एंड और दैट इज हर ग्लोरी, यही इसका गौरव है, यही इसके शान की बात है, यही इसकी खासियत है। भारत की खासियत क्या है कि चाहे लाख परिवर्तन दुनिया में हो रहे हो, पर ये अपनी सभ्यता को बचा के रखा हुआ है। तो आप ये एक हाईलाइट पॉइंट समझ के याद रखिए इसे, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे। इसी पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका है कि भारत की खासियत क्या है, व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ इंडिया। तो भारत की खासियत ये है, इन सब के बीच में ये अडिग है, स्थिर है, यही इसकी खासियत है। चलो नेक्स्ट। इट इज अ चार्ज, यानी आरोप लगा है, एक आरोप है, चार्ज का मतलब आरोप, एक आरोप है अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ, भारत के खिलाफ यूरोप के लोगों ने एक आरोप लगाया। क्या लगाया? दैट कि हर पीपल, इसके लोग आर सो अनसिविलाइज्ड, इतने असभ्य हैं, इग्नोरेंट, अज्ञानी हैं, एंड और स्टॉलिड, जिद्दी हैं। यूरोप के लोगों ने कहा कि ये एक आरोप है, यूरोप के लोगों के द्वारा लगाया गया एक आरोप है भारत के खिलाफ कि इसके लोग इतने असभ्य, अज्ञानी और जिद्दी हैं, दैट कि इट इज नॉट, इट इज इम्पॉसिबल, कि ये असंभव है टू इंड्यूस, उन्हें उकसाना, उन्हें प्रेरित करना टू एडॉप्ट एनी चेंजेस, किसी परिवर्तन को अपनाने के लिए। इन्होंने कहा कि भारत के लोगों को किसी परिवर्तन को अपनाने के लिए तैयार करना, किसी परिवर्तन को अपनाने के लिए उन्हें उकसाना कि वे अपने सभ्यता में परिवर्तन ला दें, ये संभव नहीं है, ये असंभव है। अगर ऐसी बताओ, इसको आप अगर आरोप मानते हैं तब तो इस आरोप में भी हमारे लिए शान की बात है। इट इज अ चार्ज, ये एक आरोप लगा है अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ, दैट कि हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इसके लोग इतने असभ्य हैं, अज्ञानी हैं और जिद्दी है, दैट कि इट इज इम्पॉसिबल, ये असंभव है टू इंड्यूस देम, उन्हें उकसाना टू एडॉप्ट एनी चेंजेस, किसी परिवर्तन को अपनाने के लिए। यूरोप वासियों ने कहा कि भारत के लोग इतने जिद्दी हैं, भारत के लोग इतने अज्ञानी और असभ्य हैं कि आप लाख कोशिश कर लो ये परिवर्तन नहीं करेंगे, ये अपनी सभ्यताओं से मुंह नहीं मोड़ेंगे, ये अपनी सभ्यताओं को बदलेंगे नहीं। तो ये हमारे गुणों के खिलाफ लगाया गया एक आरोप है। आगे लिखते हैं गांधी जी, इट इज अ चार्ज, ये आरोप है रियली, सच में, अगेंस्ट यानी के खिलाफ। इट इज अ चार्ज, यह आरोप है रियली अगेंस्ट, सच में, आवर मेरिट्स, हमारे गुणों के खिलाफ। ये आरोप सच में हमारे गुणों के खिलाफ है। व्हाट वी हैव टेस्टेड, जो भी हमने परखा है, एंड फाउंड, और पाया है, ट्रू यानी कि सच, हमने परखा है, सच पाया है, ऑन द एनविल यानी कि निहाई पर, आधार पर, ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभवों के, जो भी हमने परखा है, सच पाया है अपने अनुभवों के आधार पर, और इसलिए हम कहते हैं वी डेयर, हम हिम्मत नहीं करते, डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना, हम हिम्मत नहीं करते हैं चेंज यानी परिवर्तन का, हम बदलने की हिम्मत भी नहीं करते। मेनी थ्रस्ट, बहुत सारे विचारकों ने, बहुत सारे दुनिया के अलग अलग एडवाइजर्स ने, देयर एडवाइस, अपना सलाह दिया,
अपॉन इंडिया भारत पे। दुनिया के बहुत सारे सलाहकारों ने भारत पर अपनी सलाह दी, क्या कहा, अब भारत को बदल जाना चाहिए। लेकिन नहीं, सी रिमेंस, ये बनी रही स्टीडी स्थिर। लाख लोगों ने अपने अपने सलाह दिए लेकिन भारतीय सभ्यता स्थिर बनी रही। दिस इज हर ब्यूटी, यही इसकी खूबसूरती है, यही इसकी सुंदरता है। इट इज द सीट एंकर, ये प्रहरी है, ये रक्षक है ऑफ आवर होप, हमारी आशाओं का। ये हमारी आशाओं का प्रहरी है, ये हमारी आशाओं का रक्षक है। आइए फटाफट फिर से सारी लाइनों को एक बार दोहरा लेते हैं। इट इज अ चार्ज, यानी एक आरोप है। क्या आरोप था, कि भारत के लोग इतने अज्ञान, असभ्य, अज्ञानी और जिद्दी हैं कि किन्हीं किसी परिवर्तन के लिए उन्हें अब उकसाना संभव नहीं है। ये आरोप सच में हमारे गुणों के खिलाफ है। जो भी हम लोगों ने परखा है और सच पाया है अनुभवों की निहाई पर, अनुभवों के आधार पर, और तब हम कहते हैं कि वी डेयर नॉट चेंज, हम बदलने की हिम्मत नहीं रखते। बहुत सारे विचारकों ने अपने विचार दिए हैं भारत पर, लेकिन यह स्थिर बनी रहती है और यही इसकी सुंदरता है। इट इज द सीट एंकर, ये प्रहरी है ऑफ आवर होप, हमारी आशाओं का, ये हमारी आशाओं का प्रहरी है। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं क्या मिलता है। पैराग्राफ नंबर 3 लिखते हैं गांधी जी, सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता इज दैट मूड ऑफ कंडक्ट। शायद यहां एक वर्ड छूटा हुआ है, यहां होना चाहिए मूड ऑफ कंडक्ट। सिविलाइजेशन इज दैट मूड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता आचरण की वह प्रणाली है। सभ्यता मूड का मतलब प्रणाली, सभ्यता की वो प्रणाली है विच, जो पॉइंट्स आउट, जो दिखाती है, सभ्यता आचरण की वो प्रणाली है जो पॉइंट्स आउट करती है, जो दिखाती है। पॉइंट्स आउट करने का मतलब दिखाना, प्रशस्त करना, जो दिखाती है टू अ मैन, यानी किसी इंसान को, जो किसी इंसान को सिखाती है द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का रास्ता। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, इस लाइन को आप बिल्कुल अपने दिलो दिमाग में बैठ जाने दीजिए। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता आचरण की वो प्रणाली है विच, जो पॉइंट्स आउट, दिखाती है, जो दिखाती है टू अ मैन, किसी इंसान को, द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का रास्ता। सभ्यता आचरण की वो प्रणाली है जो किसी इंसान को कर्तव्य का रास्ता दिखाती है। मैं बार बार ये लाइनें क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन का एक आंसर है जो 2 नंबर में एग्जाम्स में पूछा जाता है। महत्वपूर्ण लाइन है, इसलिए इस लाइन को हमें अपने दिमाग में रख लेना है। चलो आगे, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रदर्शन, परफॉर्मेंस का मतलब होता है पालन भी, पालन। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी यानी कि कर्तव्य, कर्तव्य। तो कर्तव्यों का पालन एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी, अवलोकन, कर्तव्यों का पालन करना, कर्तव्यों का पालन करना और अवलोकन करना मोरलिटी का,
यानी कि नैतिकता का, मोरालिटी यानी कि नैतिकता। तो परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्यों का पालन एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी और नैतिकता का अवलोकन आज है कन्वर्टिबल यानी कि परिवर्तनीय। टर्म्स यानी कि पहलू, ये लाइन भी याद रखिएगा क्योंकि इससे भी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्यों का पालन एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी और नैतिकता का अवलोकन आर कन्वर्टिबल टर्म्स, परिवर्तनीय पहलू होते हैं। हाईलाइट पॉइंट, टू ऑब्जर्व मोरालिटी यानी कि नैतिकता का अवलोकन करने का मतलब क्या होता है, गांधी जी बता रहे हैं कि टू ऑब्जर्व मोरालिटी, नैतिकता का अवलोकन करना होता है टू अटेन, प्राप्त कर लेना मास्टरी यानी कि स्वामित्व ओवर यानी पर आवर अपने माइंड्स, मन एंड पैशन और अपनी इच्छाओं पर, अपने जुनून पर। गांधी जी ने कहा कि ऑब्जर्व यानी कि अवलोकन करना, किसी चीज को ध्यान से देखना, टू ऑब्जर्व मोरालिटी, नैतिकता का अवलोकन करना होता है प्राप्त कर लेना, हासिल कर लेना मास्टरी यानी कि स्वामित्व, यानी आप कह सकते हो जीत हासिल कर लेना, विजय प्राप्त कर लेना अपने मन के ऊपर और अपनी इच्छाओं के ऊपर, अपनी कामनाओं के ऊपर, अपने जुनून के ऊपर। सो डूइंग, ऐसा करके वी नो, हम जानते हैं आवर सेल्फ्स यानी कि खुद को। द गुजराती इक्विवेलेंट, गुजराती भाषा में ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं। गुजराती इक्विवेलेंट, गुजराती भाषा का समकक्ष सभ्यता के लिए, सिविलाइजेशन के लिए गुजराती भाषा में एक वर्ड है जिसका मतलब होता है गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण। यानी इंग्लिश में सिविलाइजेशन, हिंदी में सभ्यता, गुजराती में अच्छा आचरण। इस लाइन को याद रखिए क्योंकि यह आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लाइन, इसको याद रख लेना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें गांधी जी ने कही, हम ही नहीं मानने को तैयार होते हैं। पैराग्राफ नंबर 4, गांधी जी कहते हैं, इफ दिस डेफिनेशन, अगर ये परिभाषा बी करेक्ट, सही है, देन तब इंडिया, भारत को, एज जैसा कि मेनी राइटर्स, बहुत सारे लेखकों ने हैव सोन दर्शाया है, मतलब अगर ये डेफिनेशन सही है, अगर ये परिभाषा सही है, अजी कौन सी परिभाषा की बात हो रही है, कौन सी परिभाषा की बात हो रही है, तो परिभाषा यही जो थी कि सभ्यता का मतलब होता है सभ्यता आचरण की वो प्रणाली है जो इंसान को कर्तव्य का रास्ता दिखाती है, कर्तव्य का पालन करना, नैतिकता का अवलोकन करना, ये परिवर्तनीय पहलू होते हैं। कर्तव्य के पालन करने का मतलब होता है अपने मन पे नियंत्रण कर लेना, ऐसा करके हम खुद को जान पाते हैं। तो अगर ये परिभाषा सही है तो जैसा कि बहुत सारे लेखकों ने दिखाया है, इंडिया हैज नथिंग टू लर्न, भारत को कुछ नहीं सीखना है फ्रॉम एनी बडी, किसी अन्य से, फ्रॉम एनी बडी एल्स, किसी अन्य से भारत को किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज एज, और ये वैसा है जैसा इट शुड बी, इसे होना चाहिए, कुछ नयापन लाने की जरूरत नहीं है, ये अतुल्य भारत है, जैसा इसे होना चाहिए वैसा ही है, हमें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है।
हम पर्याप्त हैं। अब गांधी जी थोड़ी अच्छी अच्छी बातें करना शुरू करते हैं। गांधी जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि वी नोटिस, नोटिस का मतलब होता है देखना, वी नोटिस, हम देखते हैं कि द माइंड यानी कि मन इज है अरेस्टलेस यानी कि एक बेचैन बर्ड यानी कि पक्षी। गांधी जी कहते हैं कि हम देखते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट्स, जितना ज्यादा इसे मिलता है, द मोर इट वांट्स, उतना अधिक ये और चाहता है। जितना इसे मिलता है उतना ही इसकी चाहत बढ़ जाती है। एंड स्टिल, और फिर भी, रिमेंस, बना रहता है अनसेटिस्फाइड यानी कि असंतुष्ट, और फिर भी असंतुष्ट बना रहता है। मन एक बेचैन पक्षी है जिसे जितना ज्यादा मिलता है ये उतना ज्यादा और चाहता है, और इसीलिए असंतुष्ट बना रहता है। इस लाइन को याद रखिएगा, द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स, द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेंस अनसेटिस्फाइड। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी, लाइन एक्सप्लेनेशन में भी मदद करेगा, इंपॉर्टेंट लाइन। लिखते हैं गांधी जी, क्या लिखते हैं, द मोर वी इंडल्ज, जितना ज्यादा हम लिप्त रहते हैं, जितना ज्यादा हम सुनते हैं, खोए रहते हैं इन पैशंस यानी अपनी इच्छाओं में, द मोर अनब्राइडल्ड, उतनी ही बेलगाम दे बिकम, वे बन जाती है। मन को जितना आप बढ़ाएंगे मन उतना ही बढ़ेगा। हमारे यहां कहावत है कि धन का बढ़ना ठीक है, मन का बढ़ना ठीक नहीं है। भोजपुरी में हमारी माताएं कहती है कि धन के बढ़ल ठीक है, मन के बढ़ल ठीक ना। तो मन को नियंत्रण में रखने की बात कही जा रही है कि गांधी जी कहते हैं कि मन तो एक बेचैन पक्षी है, जितना ज्यादा इसे मिलेगा ये उतना ज्यादा और चाहेगा, कभी भी संतुष्ट नहीं रहेगा। आप अपने मन की जितनी सुनेंगे मन उतना बेलगाम होता जाएगा। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा, देयर फॉर, इसीलिए हमारे जो पूर्वज लोग थे, हमारे जो दादा परदादा थे जिन्हें हम मानते हैं कि बेवकूफ थे, बट उनके जितनी क्षमता हमारे अंदर नहीं है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने सेट अ लिमिट, एक सीमा निर्धारित कर दी टू आवर इंडगलेंसेस, हमारे भोग विलास की। अब देखते हैं ना, हमारे यहां लोग लाइंस भी लिखते हैं कि साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवे। ऐसी मतलब ऐसी इच्छा जिसमें हम इस धरती के कणकड़ के सुरक्षित रहने का, हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जीव के सुखी रहने की कामना अपने ईश्वर से करते हैं। हमारे पूर्वजों ने सीमा निर्धारित करी हमारे भोग विलास की, क्योंकि दे सॉ दैट, उन्होंने देखा कि हैप्पीनेस, खुशी जिसे आप फोन में ढूंढ रहे हैं, जिसे किसी इंसान में ढूंढ रहे हैं, जिसे आप गाड़ियों में ढूंढ रहे हैं, जिसे पैसों में आप ढूंढ रहे हैं, खुशी वॉज लार्जली, मोटे तौर पर खुशी थी अ मेंटल कंडीशन, एक मानसिक अवस्था, जिसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपके पास क्या है, रुपया पैसा है या नहीं, एक मानसिक अवस्था है। इसलिए उन्होंने अपने भोग विलास की सीमाएं निर्धारित कर दी। जाते जाते हमें ये बता के गए वो कि इच्छाओं का अंत नहीं है, इच्छाएं ही आदमी को दुखी करती हैं, इच्छाओं को नियंत्रण में रखो। लिखते हैं गांधी जी कि अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी, जरूरी नहीं है आवश्यक रूप से
नेसेसरी आवश्यक रूप से, जरूरी नहीं है कि कोई आदमी खुश है बिकॉज ही इज रिच क्योंकि वो अमीर है। ये जरूरी नहीं है कि कोई आदमी खुश है क्योंकि वो अमीर है और अनहैप्पी या कोई दुखी है बिकॉज क्योंकि ही इज पुअर वो गरीब है। ये आवश्यक नहीं है कि कोई आदमी खुश है क्योंकि वो अमीर है और दुखी है क्योंकि वो गरीब है। द रिच अमीर लोग आर ऑफन प्रायः सीन देखे जाते हैं टू बी अनहैप्पी दुखी। दुखी तो ज्यादातर अमीर लोग ही देखे जाते हैं, गरीब तो मस्त है। द पुअर गरीब लोग टू बी हैप्पी खुश देखे जाते हैं। अब एक बात है, गांधी जी ने कहा कि हमारे पूर्वज जानते थे कि मिलियंस विल ऑलवेज, लाखों लोग हमेशा रिमेन पुअर गरीब रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, यही सब देखते हुए आवर एंसेस्टर्स यानी कि हमारे पूर्वज डिसऑर्डर्ड रोके हमको, डिसऑर्डर्ड अस, उन्होंने हमें रोका फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर यानी सुख सुविधाओं से। इसलिए उन्होंने हमें सुख सुविधाओं से रोका क्योंकि वो जानते थे कि लाखों लोग हमेशा गरीब बने रहेंगे, अंधेरे में रहे कभी उजाला ना आया हो तो उतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन जब उजाले से अंधेरे की ओर जाते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। ये हमारे पूर्वज अच्छी तरह से जानते थे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पैराग्राफ की तरफ। वी हैव मैनेज्ड, गांधी जी कहते हैं कि हमने बनाए रखा है, हमने बरकरार रखा है विद द सेम, बिल्कुल उसी प्रकार के काइंड, ये काइंड होगा, गलती से किंग हो गया है, यहां पे काइंड होगा, उसको सुधारने से काइंड। लिखते हैं गांधी जी कि वी हैव मैनेज्ड, हमने बरकरार रखा है, हमने बनाए रखा है विद द सेम काइंड ऑफ प्लाउ, उसी प्रकार के, काइंड का मतलब क्या होता है, प्रकार, उसी प्रकार के प्लाउ हल को, थाउजेंड ऑफ इयर्स अगो, जो हजारों साल पहले हमारे पास था, यानी हल की प्रथा आज भी जिंदा है। आज भी भारत एक कृषि प्रधान देश है, आज भी ज्यादातर आबादी खेती पर ही निर्भर है। तो हमने हजारों साल पहले जैसे हमारा हल था, जैसे हमारा मुख्य पेशा कृषि था, हमने आज भी उसे बनाए रखा है। वी हैव रिटेन्ड, हमने बरकरार रखा है, बनाए रखा है द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, उसी प्रकार के घरों को, उसी प्रकार की कुटिया को, दैट वी हैड, जो हमारे पास थी इन फॉर्मर टाइम्स, प्राचीन काल में। अब ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आप ये कह सकते हैं कि आज भी भारत के जब घर बनाए जाते हैं तो वास्तु का ध्यान रखा जाता है, किस कोण पे किचन बनेगा, किस कोने पे पूजा रूम होगा, किस कोने पे वॉशरूम होगा, कहां से मुख्य द्वार होगा, ये सारी चीजें वास्तु के अनुसार बनाई जाती है। यानी कहीं ना कहीं गृहस्थ जीवन में हमने धर्म को आज भी जिंदा रखा है, हमने उन चीजों को आज भी बरकरार रखा है। और यदि आप पढ़ लिख रहे हैं और इन चीजों में आप कहते हैं कि हमें इन पे कोई यकीन नहीं है तो आप मूर्ख हैं। शिक्षा का मतलब ये भी है कि आप अपनी संस्कृति को, जिसकी वजह से आपकी पहचान है, जिसकी वजह से आपके पिताजी की पहचान है, जिसकी वजह से आपके देश की पहचान है, उस संस्कृति को बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। एंड इंडिजेनियस एजुकेशन, और जो घरेलू शिक्षा है, रिमेन द सेम, उसी प्रकार से बनी हुई है एज बिफोर, जैसा पहले होती थी। जीवन की पहली टीचर माँ,
जो सब कुछ हमें घर पे पढ़ाया करती है। वी हैव हैड नो सिस्टम, हमारे पास तो साहब कोई सिस्टम नहीं है ऑफ लाइफ कोरोडिंग, जीवन को तहस नहस कर देने वाली, जीवन को नष्ट कर देने वाली कंपटीशन प्रतियोगिता का, जीवन को तंग कर देने वाली, जीवन को तहस नहस करने वाली किसी भी प्रकार की प्रक्रिया हमारे पास नहीं है। हम संतुष्ट लोग हैं, हम सीधी बात कहते हैं, अयम नीजः परम वेति गणना लघु चेते साम उदार चरितम नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, संतुष्ट रहते हैं। इच फॉलोड, प्रत्येक लोग लगे रहते थे शुरू से ही अपने अपने पैसे में, अकप्सन पैसे में और ट्रेड या अपने अपने व्यापार, और सब चार्ज भी होते थे, सब पाते भी थे, और रेगुलर वेज यानी कि दैनिक मजदूरी, सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे, सभी दैनिक मजदूरी प्राप्त कर रहे थे, अपना गुजारा कर रहे थे। हमारे पास जीवन को तहस नहस करने वाली कोई प्रतियोगिता नहीं। अब गांधी जी कहते हैं कि दुनिया उनको हल्के में ना ले, इसलिए एक लाइन लिखते हैं कि इट वॉज नॉट, ऐसा नहीं था दैट कि वी डिड नॉट नो, हमें पता नहीं था, ऐसा नहीं है कि हम जानते नहीं थे हाउ टू इन्वेंट, कैसे आविष्कार किया जाए द मशीनरीज, मशीनों का आविष्कार कैसे करना है, ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं था, हमारे पूर्वज जानते नहीं थे, बल्कि आवर फोर फादर्स, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो दादा परदादा थे, वो न्यू, वो जानते थे दैट कि इफ वी सेट, अगर हमने लगा लिया हार्ट, अपना दिल, आवर हार्ट आफ्टर सच थिंग्स, अगर हमने अपना दिल लगा लिया ऐसी चीजों के पीछे, वी वुड बिकम स्लेव्स, तो हम गुलाम बन जाएंगे, एंड लूज और खो देंगे आवर मोरल फाइबर, अपने नैतिक चरित्र को। गांधी जी कहते हैं कि ऐसा नहीं था कि हमारे पूर्वजों को मशीनों की खोज कैसे करनी है वो पता नहीं, बल्कि हमारे पूर्वज ये कहते थे कि अगर हमने अपना दिल लगा लिया केवल मशीनों के पीछे तो हम उन मशीनों के गुलाम बन जाएंगे और अपने नैतिक चरित्र को खो देंगे। आज शायद वही हो रहा है। दे वे देयर फॉर, इसीलिए आफ्टर ड्यू डिलीबरेशन, लंबे विचार विमर्श करने के बाद, बहुत हद तक विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने ये निर्णय लिया दैट कि वी शुड ओनली डू, हमें केवल वही करना चाहिए व्हाट वी कुड विद, जो हम कर सकते हैं आवर हैंड्स, अपने हाथों से, एंड फिट और अपने पैरों से। दे शो दैट, उन्होंने देखा कि आवर रियल हैप्पीनेस, हमारी सच्ची खुशी और हमारा हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य कंसिस्टेड, शामिल है इन अ प्रॉपर यूज, यानी कि व्यक्तिगत प्रयोग से, सही तरीके से प्रयोग करने से ऑफ आवर हैंड्स एंड फिट, अपने हाथ पैरों। हमारे पूर्वजों ने देखा कि हमारी सच्ची खुशी और हमारा स्वास्थ्य हाथ पैर के सही प्रयोग में ही निहित है। हम स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, यदि हम अपने हाथ पैरों का प्रयोग ज्यादा करेंगे। दे फर्दर रीजन दैट, आगे उन्होंने कारण दिया, क्या कारण दिया कि लार्ज सिटीज, बड़े बड़े जो शहर हैं, वर अस्मेयर, वो जाल है, बड़े बड़े शहर जाल की तरह से, एंड और यूजलेस, बेमतलब के इनकम्बरेंस बोझ, बड़े बड़े शहर जाल है,
फालतू के बोझ हैं, एंड दैट, और ये भी कहा कि पीपल, जो लोग हैं, वुड नॉट बी हैप्पी, वो खुश नहीं रह पाएंगे इन देम शहरों में, और ये भी कहा कि देयर वुड बी गैंग्स, गिरोह होंगे, गैंग का मतलब होता है गिरोह, गिरोह होंगे ऑफ थिप्स, चोरों के, शहरों में जाएंगे तो चोरों के गिरोह मिलेंगे, रॉबर्स, डाकुओं के गिरोह मिलेंगे, प्रोस्टिट्यूशन, वैश्यावृत्ति करने वाली औरतों का गिरोह मिलेगा, एंड वाइस, और हर प्रकार की बुराई, फ्लशरिंग यानी फलेगी फूलेगी इन देम शहरों में, एंड दैट पुअर मैन, और ये भी कहा कि गरीब लोगों का वुड बी रॉब, शोषण किया जाएगा बाय रिच मैन, अमीर लोगों के द्वारा। इतनी बातें, इतनी नफरत शहरों को लेकर के हमारे पूर्वजों के अंदर थी। उन्होंने तर्क दिया कि बड़े शहर क्या है, तो जाल है, बेकार के बोझ है, वहां लोग खुश नहीं रह पाएंगे, वहां चोरों का गिरोह होगा, डाकुओं का गिरोह होगा, वैश्यावृत्ति करने वाली औरतों का गिरोह होगा, बुराई फलेगी फूलेगी वहां, और वहां गरीब लोगों का शोषण किया जाएगा अमीर लोगों के द्वारा। दे, वे लोग, वर, थे, देयर फॉर, इसीलिए सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट, विद ए स्मॉल विलेज, छोटे गांव। आपके बुक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा भी चुका है, आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हमारे पूर्वज बड़े शहरों को किस रूप में देखते थे, यही उसका आंसर है। जो आप पैराग्राफ नंबर 7 पढ़ रहे हैं, यही उसका आंसर है। चलो आगे देखते हैं, पैराग्राफ नंबर 8, दे शो दैट, उन्होंने देखा, किन्होंने, हमारे पूर्वजों ने देखा कि राजा, और देयर सॉर्ड्स, राजा की तलवारें, राजा और राजा की तलवारें यानी राजा की ताकत भी इंफेरियर, नीचे थी, टू द सॉर्ड ऑफ एथिक्स, नीति की तलवार से, यानी किसी भी राज्य में राजा उतना ताकतवर नहीं था जितनी ताकतवर नीति थी, नियम थी, कानून था, धर्म था। अक्सर राजा अपने दरबार में अपने मंत्रियों से, अपने आचार्यों से पूछते थे, गुरुदेव नीति क्या कहती है, तो नीति कहती है कि इस पे राजा को दंड देना चाहिए, तो राजा दंड देते थे। नीति और नियम श्रेष्ठ थे, राजा की तलवार से भी ताकतवर नीति और नियम थे, एंड दे, और वे, देयर फॉर, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इसीलिए हेल्ड, रखा द सबरिंस, संप्रभुओं को, राजाओं को, इस धरती के जो संप्रभु थे, इस धरती के जो राजा लोग थे, उन सभी संप्रभुओं को, उन सभी राजाओं को रखा, टू बी इंफेरियर, नीचे, टू द ऋषिज, ऋषियों के, एंड फकीर, फकीरों के, ऋषियों और फकीरों के नीचे रखा। आपने रामायण देखा होगा तो याद होगा कि जब विश्वामित्र या वशिष्ठ जब आते हैं, तो राजा दशरथ अपने सिंहासन को छोड़ देते हैं, वहां उन्हें बैठाते हैं, दशरथ उनके पांव धोते हैं और उस जल को अपने माथे पे लगाते हैं। राजाओं से ऊंचा स्थान संतों और ऋषियों का था। अ नेशन, एक ऐसा राष्ट्र था विद अ कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान के साथ था, संविधान के साथ इसके जैसा देश,
इज फिटर ज्यादा उपयुक्त है, ज्यादा अच्छा है, फिटर है, फिट नहीं है, फिटर है, ज्यादा उपयुक्त है टीच अदर्स दूसरों को सिखाने के लिए देन लर्न फ्रॉम अदर्स दूसरों से सीखने की अपेक्षा, दूसरों से सीखने की अपेक्षा दूसरों को सिखाने के लिए भारत ज्यादा बेहतर है। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, इस राष्ट्र के पास न्यायालय थे, कचहरियां थी, लॉयर्स, इस राष्ट्र के पास वकील भी थे, डॉक्टर, इस राष्ट्र के पास चिकित्सक भी थे, बट लेकिन ये सभी लॉयर और डॉक्टर वर ऑल विद इन बाउंड्स, ये सभी सीमा के अंदर थे, मालिक बन के नहीं थे, सेवक बन के थे, आज के समय में मालिक बन बैठे। एवरीबडी न्यू दैट, ये सारे डॉक्टर और वकील ये जानते थे कि दीज प्रोफेशंस, उनका जो पेशा है डॉक्टरी का या वकालत का, उन दिनों वर नॉट पार्टिकुलरली, वो व्यक्तिगत रूप से बेहतर नहीं है, क्योंकि उस समय धन कमाने के लिए चिकित्सा नहीं होती थी, लोगों को निरोग करने के लिए चिकित्सा होती थी। आज तो चिकित्सा भी एक व्यवसाय है, डॉक्टर, मेडिसिन और मेडिकल फील्ड एक बहुत अच्छा बिजनेस है आज के टाइम में, पहले नहीं होता था। तो वो जानते थे कि व्यक्तिगत रूप से यह जो धंधा है, ये जो पेशा है, वो बेहतर नहीं है। मोरोवर इसके बाद भी दीज वकील्स एंड वैद्स, इन वकीलों ने और इन वैद्यों ने डिड नॉट रॉब, लूटा नहीं, शोषण नहीं किया लोगों का। देवर वे थे कंसिडर्ड, वे माने जाते थे, उन्हें माना जाता था पीपल्स डिपेंडेंट्स, लोगों का आश्रय, उन्हें लोगों का आश्रय माना जाता था, नॉट देयर मास्टर, उनका मालिक नहीं माना जाता था। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर, और जो न्याय था वो गंगा की तरह से एकदम यूं ही साफ और सुंदर था। द ऑर्डिनरी रूल, साधारण नियम थे, नजरअंदाज कर दीजिए न्यायालय को, साधारण नियम यह था कि हमें न्यायालय तक पहुंचना ही नहीं, पांच लोगों को बुलाना है, पंचायत लगानी है, निपटारा करना है। दे वर नो टॉट्स, और कोई भी टॉट्स नहीं था, कोई दलाल नहीं था टू ल्योर, लुभाने के लिए पीपल, लोगों को इन टू देम, उनमें लोगों को कोर्ट में लुभाने के लिए कोई दलाल नहीं बैठा था। साधारण सी बात हुआ करती थी कि जो लोग आपसी मतभेद का शिकार होते थे वो गांव के लोगों की बात को ही मान करके झगड़े झंझट खत्म कर लिया करते। दिस इविल, ये जो बुराई अगर थोड़ी बहुत थी भी कोर्ट कचहरी की, तो ये बुराई टू भी वॉज थी नोटिशेबल, ध्यान देने योग्य, ओनली इन एंड अराउंड, केवल में और आसपास, अराउंड का मतलब आसपास, कैपिटल्स यानी कि राजधानी, यानी ये बुराई केवल राजधानी में या राजधानी के आसपास ध्यान देने योग्य थी। द कॉमन पीपल, आम लोग लिव्ड, रहते थे इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्र रूप से, आम लोग स्वतंत्र रूप से रहते थे एंड फॉलोड, और लगे रहते थे देयर एग्रीकल्चरल, अपने कृषि से संबंधित, अपने खेती बाड़ी के पेशे में। दे एंजॉयड, वे आनंद लेते थे ट्रू होम रूल्स, यानी गृहस्थ जीवन का, गृहस्थ जीवन का, सच्चे गृहस्थ जीवन का वो आनंद लेते थे। भारत में लोगों ने आनंद बहुत लिया है, भारत के लोग आनंद के बड़े शौकीन होते हैं, अलग अलग ऋतुएं बना के, अलग अलग त्योहार बना के भारतीय सभ्यता ने अपनी मिसाल पैदा की है इस दुनिया के पूरे देशों में। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का ये पहला एपिसोड आज मैंने आपके बीच रखा। अगली क्लास में हम इसके नेक्स्ट पैराग्राफ्स को कवर करेंगे,
इस चैप्टर के 5 वीडियोस आएंगे। ये पहला वीडियो था। अगली वीडियो, 2 और वीडियोस जो होंगी वो एक्सप्लेनेशन पे होंगी, फिर एक वीडियो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर होगा और एक वीडियो इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के ऊपर होगा। आशा करता हूं स्टूडेंट कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। यदि सच में आपको आज के क्लास में मजा आया है तो मुझे कमेंट्स जरूर करें ताकि मैं भी मोटिवेट हूं आपके लिए अगली क्लासें लाने के लिए, क्योंकि आप ये जानते हैं कि समय में मैंने इन चीजों को बनाने में भी प्रॉपर टाइम दिया है। मैं आपके लिए खड़ा होकर इस गर्मी में आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इतनी उम्मीद तो मैं आपसे कर ही सकता हूं कि आप अपना फीडबैक कम से कम दे कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है।